Hi students, welcome you to my English grammar classes. Now we discuss about adjectives. First we have to know what is adjective. Adjective kya hai? Adjective is a part of speech that modifies or describes a noun or a pronoun. तो ये adjective जो है वो एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, एक noun को describe करता है, मतलब एक noun के बारे में हम कुछ बताता है या कोई प्रोनाउन के बारे में हमको बताता है. एन एडजेक्टिव इज वन ऑफ द एट पार्ट ऑफ स्पीच. तो जितने तो आठ तो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से एडजेक्टिव एक है. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, इट डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन. जो कि मैं पहले कह चुका हूँ कि एडजेक्टिव एक वर्ड्स एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बारे में हमको कुछ कहता है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में वर्णन करता है. इन दिस एग्जाम्पल द एडजेक्टिव इज इन बोल्ड एंड द नाउन दैट इज मॉडिफाइज इन इज इन इटैलिक. तो ऊपर जो बोल्ड लेटर में लिखा है द बिग डॉग वाज हंग्री, इधर बिग डॉग, डॉग कैसा है ना, बिग है वो, जो डॉग है वो बड़ा सा है. तो बिग जो है डॉग नाउन है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया बिग, इसलिए बिग इधर एडजेक्टिव है. वाज हंग्री, द बिग डॉग वाज हंग्री, डॉग कैसा है ना, हंग्री है, भूखा है. तो ये वाला जो हंगरी वर्ड, हंगरी जो लिखा है ये भी एक एडजेक्टिव है. तब दिखेंगे हम एडजेक्टिव का कितना टाइप्स का एडजेक्टिव होता है. तो मेनली थ्री डिग्रीज होता है एडजेक्टिव का, एक कंपैरेटिव डिग्री, दूसरा पहला गया पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री. तो फर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री के बारे में देखेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स वी कैन कंपेयर देम. जबकि हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं. वी कैन सी इफ दे आर द सेम और डिफरेंट. और ये भी हम देख सकते हैं कि वो एक जैसा है या अलग अलग है. परहैप्स दे आर द सेम इन सम वेज एंड डिफरेंट इन अदर वेज. फिर भी यदि वो कुछ ही तरीके में एक जैसा ही हो, लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वो अलग अलग है, डिफरेंट है. वी कैन यूज़ कंपेरेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द डिफरेंसेस. तो वही डिफरेंसेस को दिखाने के लिए हमको एडजेक्टिव का इस्तेमाल, हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. सपोज अभी मैं बताऊंगा, दो एग्जांपल दूंगा अभी. सपोज दो ठो बच्चे हैं, राम और श्याम. तो राम से श्याम ज़्यादा ऊंचा है, तो मैं क्या कहूंगा, श्याम इज टलर दैन राम. टलर दैन इस्तेमाल हुआ, टलर इस्तेमाल हुआ, टल नहीं हुआ टलर. ये तो कंपेरेटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री टॉल है, मतलब ये जो श्याम है वो राम से ज़्यादा ऊंचा है. नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स. कंपेरेटिव एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होती है. देयर आर टू वेज टू मेक और टू फॉर्म ए कंपेरेटिव एडजेक्टिव. तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव फॉर्म करने के लिए दो ठो वे है. पहला वाला हम क्या यूज़ करते हैं, ईयर यूज़ करते हैं. जो शॉर्टर एडजेक्टिव्स है उसको कंपेरेटिव करने के लिए ईयर एडजेक्टिव ईयर ऐड करते हैं. जैसे कि शॉर्ट, शॉर्टर, बिग, बिगर, ईयर ऐड हुआ, ऐड हुआ नहीं, ईयर ऐड हो गया, कंपेरेटिव हो गया. लेकिन वो जो लॉन्गेस्ट, कुछ लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसको हम कंपेरेटिव करने के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, ये लॉन्गेस्ट वो एडजेक्टिव है. तो उसको जब हम कंपेरेटिव करेंगे तो मोर एडजेक्ट मोर डाल देंगे उसके पहले, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल हो गया. ओके, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री के बारे में दिखेंगे. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस द एक्सट्रीम और हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए क्वालिटी. वी यूज ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ वन थिंग्स इन ए ग्रुप ऑफ थिंग्स. तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कब करते हैं. हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल तब करते हैं जबकि बहुत सारी चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ का और एक पर्सन का या एक चीज़ का क्वालिटी सबसे ज़्यादा है, बेहतर है, सबसे बेहतरीन है. तो उसको दिखाने के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. वी कैन यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव व्हेन टॉकिंग अबाउट थ्री और मोर थिंग्स. लेकिन हम पहले से देखो, पहले जब एक ही चीज़ के बारे में बात करते थे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते, पॉजिटिव इस्तेमाल होता था पॉजिटिव डिग्री का. दो टू चीज़ के बारे में जब हम डिस्कस किए तो हमने क्या इस्तेमाल किया ना, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेयर किया दोनों चीज़ों को जब. और अभी जब हम एक चीज़ों को
या दो से ज़्यादा मतलब तीन ठो चीज़ या तीन से ज़्यादा चीज़ों को हम कंपेयर किए तो हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। दो समझ गए नहीं, एक चीज़ है तो पॉजिटिव डिग्री, दो चीज़ों के बारे के अंदर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव डिग्री, और अभी ये दो से ज़्यादा हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होता है? आज विथ कंपेरेटिव एडजेक्टिव देयर आर टू वेज टू फॉर्म ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। हम जैसे कंपेरेटिव डिग्री पहले से बनाते थे ईयर यूज करके, अभी सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हाँ, ई एस टी, जो शॉर्टेस्ट वर्ड है शॉर्टेस्ट वर्ड में ई एस टी ऐड करेंगे, और जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो हम मोस्ट ऐड कर देंगे। जैसे कि बिग था, कंपेरेटिव में बिगर हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट ई एस टी ऐड हो गया, सुपरलेटिव में ई एस टी, कंपेरेटिव डिग्री में ईयर, और जो लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव है उसको हम मोस्ट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? हम मोस्ट ऐड करेंगे। जैसे कि ब्यूटीफुल, कंपेरेटिव डिग्री में मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ऐड हो गए वो अभी अब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अभी दिखेंगे उसका ऑर्डर, इसके बाद कौन सा आता है। तो ये बहुत सारे एडजेक्टिव जो दो टो एडजेक्टिव एक साथ होंगे तो किसके बाद हम किसको रखेंगे। देखो पहले एडजेक्टिव ऑर्डर, देयर आर टू बेसिक पोजिशंस फॉर एडजेक्टिव्स, बिफोर द नाउन, आफ्टर सम वर्ब्स। तो एडजेक्टिव जनरली सेंटेंस में दो ठो पोजिशन में आता है, पहला वाला बिफोर द नाउन, नाउन के पहले, और दूसरा आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब के बाद आता है, जैसे कि बी, बिकम, गेट, सीम, लुक, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट, इस तरह का कुछ वर्ब्स है जिसके बाद में ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, नहीं तो नाउन के पहले इस्तेमाल हो जाता है, बिफोर ए नाउन। अभी देखिए उसका ऑर्डर, एक सेंटेंस देखो, नीचे लिखा गया है आई हैव ए बिग डॉग, तो इधर एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव क्या है? बिग है, तो बिग इधर एक एडजेक्टिव है, तो नाउन, नाउन से पहले इसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सेंटेंस टू में स्नो इज वाइट, ये वाला जो वाइट हुआ वो वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ, इज एक वर्ब है, किस तरह का वर्ब है तो बाहर में आपको मैं बताऊंगा, फिर भी अब शायद मैं बता चुका हूँ, इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो इस्तेमाल हुआ वाइट वो एक एडजेक्टिव वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ। मतलब हम अभी एडजेक्टिव का दो ठो पोजिशन देखे, पहला वाला नाउन के बिफोर द नाउन, नाउन के पहले, और एक आफ्टर सम वर्ब, अब वर्ब के बाद, तो ये वर्ब के बाद ही इस्तेमाल हो गया। ओके, अभी देखेंगे एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है वो कैसा? देखो, वी ऑफन यूज मोर देन वन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, हम कभी कभार एक से ज़्यादा एडजेक्टिव नाउन के पहले इस्तेमाल करते, जैसे कि आई लाइक द बिग ब्लैक डॉग, मुझे बड़ा सा ब्लैक कलर का डॉग पसंद है, तो बिग ब्लैक, तो इधर बिग भी एक एडजेक्टिव और ब्लैक भी एडजेक्टिव है या नहीं। सेकेंड सेंटेंस, सी वॉज वेयरिंग ए ब्यूटिफुल लॉन्ग रेड ड्रेस, ये सेंटेंस में तीन ठो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, क्या क्या? एक ब्यूटीफुल, और एक लॉन्ग, और एक रेड, तो कैसा ड्रेस वो पहनी है? एक ब्यूटीफुल, सुंदर सी, लॉन्ग, लंबी सी, और रेड, रेड कलर की। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर टू और मोर एडजेक्टिव्स, तो दो और दो से ज़्यादा एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या है? तो फर्स्ट हमको ये देखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ऑर्डर इज, उसका जनरल ऑर्डर क्या है? पहला जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा वो होगा ओपिनियन और फैक्ट, कोई मत और कोई सच, सच्चाई, ये वाला पहले। ओपिनियन का मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ओपिनियन इज व्हाट यू थिंक अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं उसको ओपिनियन कहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, पहले एडजेक्टिव उसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद फैक्ट इज व्हाट इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट समथिंग, कुछ चीज़ों के बारे में सच क्या है और फैक्ट इसको कहते हैं वो इस्तेमाल होगा। जैसे कि वो एग्जाम्पल लेंगे, ए लवली न्यू ड्रेस, नॉट ए न्यू लवली ड्रेस, इधर हम लिखेंगे ए न्यू लवली ड्रेस लिखेंगे तो ये गलत होगा, ए लवली न्यू ड्रेस, क्योंकि लवली एक ओपिनियन है लेकिन फैक्ट क्या है ना, न्यू, तो पहले ओपिनियन इस्तेमाल हुआ बाद में न्यू इस्तेमाल हो गया, न्यू एक फैक्ट इस्तेमाल हुआ, सच्चाई, अरे सच्चाई क्या है, ड्रेस तो नया है लेकिन ओपिनियन क्या है, लवली, आपका ओपिनियन, आपको सुंदर सा लगता है, ये आपका ओपिनियन है, आपका मत है। और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, ए बोरिंग फ्रेंच फिल्म, ऐसे होगा लेकिन ऐसे नहीं होगा, नॉट ए फ्रेंच बोरिंग फिल्म, ए फ्रेंच बोरिंग फिल्म नहीं होगा, क्योंकि बोरिंग, बोरिंग आपका ओपिनियन है, इसीलिए बोरिंग का इस्तेमाल पहले होगा,
लेकिन फ्रेंच फिल्म ये सच्चाई है, ये ट्रू अबाउट द थिंग्स इज इज फैक्ट द फ्रेंच फिल्म, पहले ओपिनियन फिर बाद में फैक्ट अ ट्रूथ, और जब सच्चाई वो बाद में आएगा। वो क्या पहला वाला, दूसरा देखेंगे द नॉर्मल ऑर्डर फॉर फैक्ट एडजेक्टिव इज, उसका नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है फैक्ट एडजेक्टिव का, पहले साइज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर एज आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर मटेरियल आएगा, फिर प्रपोज आएगा। मतलब स्मॉल 18th सेंचुरी फ्रेंच कॉफी टेबल, जैसे कि इधर इस्तेमाल हुआ, साइज पहले आएगा, फिर शेप, फिर जाके एज, फिर जाके कलर। तो पहला सेंटेंस में स्मॉल एक छोटा सा, साइज पहले आ गया या नहीं, शेप तो इधर नहीं है, 18th सेंचुरी, एज इसके बाद एज आ गया उसका, कितने साल का ये है, 18th सेंचुरी फ्रेंच कॉफी टेबल, फ्रांस का ये पुराना 1800 शताब्दी का एक छोटा सा टेबल है। तो पहले वाला साइज, फिर 18th सेंचुरी एज आ गया, तो फ्रेंच कॉफी टेबल रहा। सेकंड सेंटेंस देखो, ए रेक्टेंगुलर बैक ब्लैक वुडन बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर ब्लैक वुडन बॉक्स, रेक्टेंगल जैसा ही ब्लैक कलर के वुडन बॉक्स है, तो इधर भी एक रेक्टेंगुलर, उसका शेप आ गया रेक्टेंगुलर, कलर फिर एज तो नहीं है इधर, कलर फिर आ गया ब्लैक, इसके बाद ओरिजिन और मटेरियल आएगा। तो मटेरियल क्या है, मटेरियल है वुड, किस मटेरियल से बनाया गया है, वुड, वुडेन, तो वुड से आ गया वुडेन, समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आज के लिए उतना ही, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट एवरी वीडियोज़ दैट आई अपलोड।